उगा नहीं हाँ तब तक मैं जो हूँ। दोस्तों, मैं ये कोर्ट का बीज स्पेशली कुचली गांव। दोस्तों फाइनली मैं उस गांव में पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था। ये हो गई मेरी ये लंच की। मैं घर आ रहा था वहां से जहाँ गया था मैं कुचली गांव में। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल हिमराट कल्चर। सुबह के 8 बजे हैं और मैं आज किसी विशेष लोकेशन पे जा रहा हूँ एक किसान मित्र को मिलने के लिए, और वहाँ पे काफ़ी सारे काम हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने घर से अपने गांव से निकल रहा हूँ। ये मेरे गांव का छोड़ा गदेरा है, इसे छोड़ा गदेरा बोलते हैं। यहाँ पे एक बरसाती काफ़ी बड़ा एक झरना बहता है जो कि आजकल फ़िलहाल सूखा हुआ है। तो यहाँ से मैं आज की ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपने गाँव के छोड़ा गदेरा से। तो चलते हैं दोस्तों उस विशेष लोकेशन पर, ढाजुली पट्टी, और जो कि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक राड क्षेत्र है। हमारे भी राड क्षेत्र पड़ता है, वो भी एक संवेदनशील और विशेष राड क्षेत्र है ढाजुली पट्टी। वहाँ एक गांव में जाना है मुझे किसी किसान महिला मित्र को मिलने के लिए। ये है हमारे गांव का छोड़ा गदेरा, काफ़ी नमी वाला क्षेत्र, शीतोष्ण जलवायु वाला। यहाँ पे बांज, बुरांस, अयार, खरसू, पांगर आदि विशेष शीतोष्ण जलवायु के काफ़ी सदाबहार पौधे, यहाँ पे आपको पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अभी हूँ मैं पैठाणी में और पैठाणी सहकारी समिति में। यहाँ पे मेरा कुछ काम था, यहाँ से काम निकला करके फिर मैं आगे के लिए अपना सफ़र शुरू करूँगा। अभी मैं घर से 35 किलोमीटर सफ़र करने के बाद चाकीसैंण पहुँचा हूँ, और यहाँ से भी काफ़ी और आगे मुझे सफ़र करना है। ये है चाकीसैंण मार्केट आगे, और ये गाँव है भैंसकोट, और चाकीसैंण के नीचे ये पूर्वी नयार बह रही है, जो कि ऊपर यहाँ से ढाजुली और दुदातौली के जंगल से आगे होते हुए और ठीक सतपुली ब्यास घाट मिलती है। ये जा रही है तरपाली सैन वाली रोड, और ये कट गई बगेली और ईड़ा नौगांव के लिए, तो मुझे शायद इस वाली रोड पे जाना है। यहाँ पर कुछ सामान खरीदा, केला और बिस्किट, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ के लिए। ढाईजुली पट्टी राठ, और आज मैं यहाँ विशेष काम के लिए आ रहा हूँ किसी महिला किसान से मिलने के लिए, क्योंकि वो भी जड़ी बूटी की खेती करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हर इंसान, हर किसान हमसे जुड़े और अपने पहाड़ में, अपने बंजर खेतों में स्वरोजगार पैदा करे और कहीं इधर उधर न भटके। हमारी इस पहल से शायद कुछ लोगों को रोजगार अपने घरों में मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इतनी अच्छी ज़मीन है, इतनी अच्छी जलवायु वाला क्षेत्र है, और पूरे खेत वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं जहाँ पे जंगली जानवर उत्पात मचाते हैं। तो एक जड़ी बूटी अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे यहाँ के किसानों के लिए और फार्मरों के लिए, और इससे इस मुहिम से हमारे पहाड़ में, हमारे राहट में, हमारे पौड़ी जनपद में प्लान भी कम होगा। सबसे ज़्यादा उत्तराखंड में पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से प्लान हुआ है, तो हमारी इस मुहिम से शायद कुछ हद तक कुछ प्लान रुक सकता है, ये हमारी कोशिश है। ये नीचे रामनगर NH है, नेशनल हाईवे, और यहाँ से ये पूरा 360 का व्यू ढाजुली पट्टी का, तरपाली सैण गांव, ये सलोनधार, और यहाँ से पता नहीं कौन कौन से ये गांव हैं। दोस्तों ये काफी बैकवर्ड इलाका है, और जैसे गाड़ियाँ यहाँ गाँव में पहुंचती है ये झपट जाते गाड़ी में, सब बच्चे देखो फिर गाड़ी में झपट गए हैं, और ये जाने की जितना रिंगटोन उनका गांव आगे है जहाँ मैं जा रहा हूँ, और देखो कैसे बैठ गए हैं गाड़ी में। बच्चे उतरो उतरो उतरा उतरा। दोस्तों फाइनली मैं उस गांव में पहुंच गया हूँ जहाँ मुझे जाना था। यह कुचली गांव राठ क्षेत्र का एक खूबसूरत और प्रकृति के बीच में बसा हुआ खूबसूरत गाँव कुचली। दोस्तों मैं ये कोट का बीज स्पेशली कुचली गाँव में आंटी जी को देने के लिए आया था। इन्होंने कहा था कि हम भी जड़ी बूटी की खेती करेंगे। आंटी जी हमारी तरफ से तो मान ले
उपहार स्वरूप है। और अब तुम इससे अच्छा उत्पादन करो, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुम कुछ बोल चाहना? क्या अभी कुछ नहीं बोल चाह, जब तक मेरी मेहनत से नसीब से है जी उगा नहीं हाँ, तब तक मैं जो हूँ हाँ, जिस दिन ये उग जाएगा ये नसीब खुल जाएगा उस दिन सब देखेंगे। जी जी जी। दोस्तों यहाँ से मैं लेके जाऊंगा समलोन पेड़ तेलंग की। आंटी जी मुझे ये अपने नर्सरी से दे रही हैं, यहाँ उनका ये जितने भी ये फॉरेस्ट है पूरा तेलंग का है और इसके नीचे काफी सारे पौधे उगते हैं। आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। धन्यवाद। ये हो गई मेरी ये लंच की दाली पैक। हाँ आसु भाई यहाँ पे मेरे को भेजने के लिए। दोस्तों यार भयंकर बारिश लग गई है वापसी में। मैं घर आ रहा था वहाँ से जहाँ गया था मैं कुचली गांव में, तो आज जैसे मैं वहाँ से वापस निकला अपने घर की तरफ तो काफ़ी भयंकर बारिश लग गई। इस वजह से एक घंटे से मैं इस पेड़ के नीचे शरण लिए हुए हूँ और यहाँ पे थोड़ी सी बारिश कम आ रही है। दोस्तों आज के दिन ना मैंने पैठानी में कुछ काम निपटाए समिति के और उसके बाद फिर मैं कुचली किसी किसान मेरा किसान मित्र से मिलने के लिए गया। फिर वहाँ पे उन्हें अपने जड़ी बूटी का बीज दिया कूट का और आज के दिन मेरा इन्हीं कामों को करके व्यतीत हुआ। तो दोस्तों आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल हिमराट कल्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हम अन्य विषय पर भी सुंदर सुंदर वीडियो बना करके आपका एंटरटेनमेंट कर सकें, आपका मोटिवेशन कर सकें। दोस्तों तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।